व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी नूडल्स, जिनको हम हिंदी में चाउमीन बोलते हैं। हम आज आपको चाउमीन की रेसिपी दिखाएंगे, कैसे बनाते हैं इनको। बहुत टेस्टी होते हैं, आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करना। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप इनको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें और घर की चीज़ें बनाएं। घर में चाउमीन बनाएं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और जो बाहर बनाते हैं वो बहुत हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये देखो भाई साहब, ये डाल रहे हैं हम इसमें तेल। तेल डाल दिया है, उसके बाद तेल गर्म हो जाएगा। डाल रहा हूँ लहसुन। लहसुन बिल्कुल गर्म, मैंने घिस रखा है और लहसुन घिस के डाल रखा है, बिल्कुल बारीक है लहसुन। तेल गर्म हो गया, उसमें लहसुन डाल दिया है। और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो लहसुन ना डालें, और जो लोग लहसुन खाते हैं वो लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन से फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है और अच्छा लगता है, टेस्टी बिल्कुल। ये देखिए, ये लहसुन ऐसा होना चाहिए, ब्राउन या लाल जैसा, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ब्राउन बोल सकते हो, लाल कर सकते हो। उसके बाद इसमें ये डाल देना है प्याज कटा हुआ, बिल्कुल ऐसा प्याज काटना है, और ये डाल दिया। होना चाहिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये, बिल्कुल ना लाल है ना ब्राउन है, बिल्कुल एकदम मीडियम है। ऐसा होने के बाद दोनों का कलर प्याज और लहसुन का एक जैसे ही है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद डालना है शिमला मिर्च, कटी हुई लंबी लंबी बारीक कटी हुई होनी चाहिए, और ये शिमला मिर्च डाल दें। ये शिमला मिर्च डली हुई है, अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट ये शिमला मिर्च पक गई है, 2 मिनट पक गई है। ज़्यादा भी नहीं पकनी चाहिए शिमला मिर्च, ज़्यादा पक जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मीडियम पकनी चाहिए शिमला मिर्च भी। उसके बाद ये डालनी है कटी हुई गाजर, बारीक बारीक कटी हुई लंबी लंबी गाजर डाल दी है। इनको दोनों इनको को मिक्स कर देना है। ये देखो, गाजर शिमला मिर्च प्याज तीनों चीज़ ऐसा होनी चाहिए। गाजर भी ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए, ज़्यादा पक जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल एकदम टेस्टी नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। मीडियम पकना चाहिए, 2-2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। कोई चीज़ भी पूरी तरह पकनी चाहिए ये। और ये गाजर शिमला मिर्च ज़्यादा कच्चा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पका भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होगा तभी ये शाम चाउमीन में फ्लेवर देगा, अच्छा टेस्टी होगा। और उसके बाद आना है ये पत्ता गोभी कटी हुई, ये ना लंबी लंबी कटी हुई पत्ता गोभी डाल रहा हूँ। ये देखो पत्ता गोभी डाल दिया है, ये डाल दिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन, ये सब चीज़ सब्जियाँ तैयार है इसमें, सारे ऐसे मिक्स करना अच्छी तरह से। ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। पत्ता गोभी बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकनी है और ना कच्ची रहनी है, हल्की फुल्की पकनी चाहिए। अगर ज़्यादा पत्ता गोभी पक गया तो सब्ज़ी ऐसी हो जाएगी, चाउमीन का टेस्ट गया काम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाउमीन का मतलब है चाउमीन, और अगर ज़्यादा पक गया तो ये सब्ज़ी बन जाएगी इसकी। ये देखो अभी कितना सारा था, कितना कम हो गया, अभी भी बस गर्म हाफ ही है, कम हो गया। ये डाला हूँ स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार जितना भी नमक आप लेते हो उस हिसाब से आप नमक स्वाद अनुसार डालना है। उसी के बाद आप कलर करना चाहते हो उसके लिए आप ये डाल सकते हो कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च बोलते जिसको, देगी मिर्च मिर्ची नहीं होती है तो वो डाल सकते हो। वहाँ जैसे बाजार के लाल होते हैं वैसे ही हो जाएगा चाउमीन। ये देगी मिर्च डाल दिया है, मिर्ची डाल दिया है। उसके बाद आएगा नंबर सोया सॉस, ये सोया सॉस देखो स्वाद अनुसार डालना है, जितना आपको टेस्टी लग सकता है उतना ही डालना है। और खटाई, अगर जिस बंदे को खटाई अच्छा लगता है तो विनेगर डाल सकते हो, ये विनेगर है, ये भी स्वाद अनुसार डालना, ज़्यादा नहीं डालना है।
ये देखो अब मैंने ये सब कुछ तैयार है, इसमें विनेगर डाल दिया है, सोया सॉस डाल दिया है, देगी मिर्च डाल दिया है, सब इसका कलर देखो इतना टेस्टी हो गया बिल्कुल, ना तो परफेक्ट होना एकदम, ना तो ये गाढ़ा पका है ना ज़्यादा कच्चा है, बिल्कुल जैसे नूडल्स में होना चाहिए वैसे ही है एकदम बिल्कुल, और इतना अच्छा लग रहा है कि बस मुँह में पानी पानी आ रहा है एकदम देख के बिल्कुल कलर को, और इतना टेस्टी बना है कि पूछो ही मत, और जो भी भाई लोग देख रहे होंगे उसका मुँह में उनके मुँह में भी पानी आएगा बिल्कुल पानी आएगा देख के, और घर में ज़रूर ट्राई करना, मैं पूरी रेसिपी आपको बता रहा हूँ और पूरी रेसिपी दिखाऊँगा आपको अभी, और ये देखो कितना अच्छा बन गया है ये, और ये बिल्कुल घर में बना हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा से है, बाज़ार में पता है आपको कितना तेल जला हुआ होता है, सब केमिकल का डाला हुआ होता है, सब कैसे चीज़ डालते हैं बाज़ार में, वो बाज़ार का बिल्कुल नहीं खाना है, घर में ट्राई जरूर करें, हम आपको हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे एक नई चीज़ और अच्छी सी दिखाएंगे आपको, और घर में ट्राई जरूर करना, बिल्कुल सिंपल है, हर कोई बंदा अपने घर में ला के बना सकते हैं, कोई ज़्यादा बम वो नहीं है, भारी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बाज़ार से नॉन नूडल चाउमीन लाने आपको नूडल्स, और पानी को उबालने हैं, उसमें उबालते समय थोड़ा तेल डाल देना है, नमक डाल देना है, और उबलने के बाद उसको ठंडे पानी में धो देना है, और मुश्किल काम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे बना सकते हो घर में, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी एकदम, मुँह में पानी पानी आएगा, और कोई वो नहीं है, आराम से बना सकते हो घर में, हर कोई बंदा अपने घर में आराम से बना सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद ये नूडल्स उबले हुए हैं और हमने गर्म पानी में उबाले, और उसके बाद नमक डाल दिया था, तेल डाल दिया था ताकि ये चिपके नहीं, और ठंडे पानी में जोर धोना है उबलने के बाद ताकि ये चिपकेंगे नहीं, ये देखो नूडल्स डाल दिया है, ये है नूडल्स, अब इनको सार मिक्स कर देंगे, ये देखो सारा चूर मिक्स कर दिया है, मिक्स कर रहे हैं ये आपके सामने, मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरह से, ये सारी सब्जियाँ और नूडल्स ये सारे मिक्स कर दिए हैं, अब इसकी की बारी है, जो लोग घर में अंडा खाते हैं, घर में नॉनवेज वाले बंदे हैं, तो मैंने अंडे की भुर्जी बना रखी है, और अंडे की भुर्जी बना के ऐसे फिर इसमें ऊपर से आप अंडा डाल सकते हो, तो ये बन गया नॉनवेज नूडल्स, तो नॉनवेज नूडल्स बना के ऐसा करके बच्चे बिल्कुल शौक से खाएंगे, बिल्कुल खुश होकर खाएंगे, जिस जो बच्चा अंडा खाता है घर में तो वो बिल्कुल खुश होकर पूरा पेट भर के चाउमीन खाया गया, ये ऐसे डाल दो और बहुत टेस्ट लगेगा नॉनवेज वाला, और जो नॉनवेज नहीं खाता है तो उसके लिए वेजिटेरियन वेजिटेरियन सब्जी है ही वो ऐसे ही खा सकता है, जो चाउमीन में अंडा खाता है वो अंडा डाल सकते हैं, और जो नहीं खाता है वो नहीं डाले अंडा, तो चाउमीन अगर जो अंडा खाने वाले बनते हैं तो वो जरूर डाल सकते हैं आराम से चाउमीन में, तो बहुत टेस्टी लगेगा आपको, एक जो ट्राई करें घर में एक बार, और ज़रूर बताएं कि कैसी हमारी रेसिपी आपको लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की हमारी नूडल्स की रेसिपी आपको कैसी लगी, धन्यवाद आपका सहयोग देने के लिए। और अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।